दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मोगरा का सिंगल पेटल का फ्लावर का प्लांट है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और प्लांट की ग्रोथ आप देखिए, 1 महीने का ये रिजल्ट मैं बता रही हूँ। मतलब इसको 1 महीने पहले ही रिपोर्टिंग किया था, वो भी दिखाऊंगी मैं आगे की क्या कंडीशन थी प्लांट की और किस तरह से इसको ठीक किया मैंने। प्लांट को जब भी आप नर्सरी से लाए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, तो ये प्लांट की ग्रोथ आप एक बार पहले देख लीजिए। मतलब हर एक ब्रांच में आपको फ्लावर दिखेगा, नहीं फ्लावर दिख रहा है तो जरूर से कलियां दिखेगी। मतलब एक एक ब्रांच में आपको दो दो तीन तीन फूल भी नजर आएंगे। मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ है और 1 महीने में प्लांट को इतना अच्छे से घना किस तरह से मैंने बनाया है, क्योंकि ये प्लांट जब लाई तो इससे काफी ज्यादा छोटा था और इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी। बीच में इसमें पहले भी एक बार और फूल आए थे, उसके बाद मैंने क्या काम किया वो भी दिखाऊंगी। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेकर आए, किस तरह से रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि ये प्लांट जब रिपोर्टिंग किया था तो उसका ऑलरेडी वीडियो शेयर है, तो आप जरूर से देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। क्योंकि आपने किसी भी प्लांट को रिपोर्टिंग अगर अच्छे से नहीं किया तो आपका प्लांट कभी भी अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। तो जब भी आप प्लांट को, जैसे मैं यही प्लांट लेकर जब आई थी, तो सबसे पहले जो एक दो फूल सूख गए थे उनको मैंने अच्छे से पिंचिंग किया ताकि मल्टीपल ब्रांचेस निकल पाए। उसके बाद आते हैं कि एक अच्छी पॉटिंग मिक्स देना, इनको वेलड्रिन पॉटिंग मिक्स चाहिए प्लस न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा चाहिए जब आप ज़्यादा फ्लावर लेना चाहते हैं, और सभी चीज़ें ऑर्गेनिक होती है तो पॉटिंग मिक्स ज़रूर से देख लीजिए। और इसके लिए गमला चूज़ किया था मैंने 8 इंच का टेराकोटा पॉट, क्योंकि आप कभी भी गर्मी के दिनों में अगर प्लास्टिक का पॉट मोगरे को प्लांट को दे रहे हैं तो क्या होता है कि वो ड्रेनेज अच्छे से नहीं कर पाता, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो आप जो प्लांट का जो अंदर का पोर्शन रहेगा रूट्स, वो भी हीट हो जाता है तो प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग पर नहीं आता। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि ज़रूर से टेराकोटा पॉट ही लीजिए ताकि अंदर ठंडक बनी रहे और आपका प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये 10 दिन बाद ही ऐसा कंडीशन आ गया था इसका प्लांट का। उसके बाद जब ये फूल सूख गए थे, मतलब ये एक दिन ही रहता है ये फ्लावर, उसके बाद जब ये फूल सूख जाते हैं तो मैं करती ये काम थी कि प्लांट को घना बनाने के लिए, क्योंकि आपके प्लांट में अगर एक ही ब्रांच है या दो ही ब्रांचेस है तो आपके ज़्यादा फूल तो कभी नहीं आ सकते। तो इसके लिए जब भी आपके फ्लावर सूख जाए तो पिंचिंग ज़रूर करते रहिए। मतलब जैसे ही ये एक दिन का फ्लावर रहेगा, उसके बाद जैसे ही फूल सूख जाता है या आप फूल को तोड़ रहे हैं पूजा पर्पज़ के लिए, तो आप ज़रूर से इसको पिंचिंग कीजिए ताकि मल्टीपल ब्रांचेज निकल पाए और आपका प्लांट जो है घना बने। क्योंकि आपके प्लांट अगर ज़्यादा ब्रांचेस होगी तभी आपके प्लांट में बहुत सारे फूल एक साथ आएंगे। इसके बाद आती हूँ मैं, क्योंकि न्यू ग्रोथ जब प्लांट में होती है तो आपको इंसेक्टिसाइड भी टाइम पर देना होता है, क्योंकि न्यू ग्रोथ होने पर इस तरह की अगर ग्रोथ हो रही है प्लांट में तो आपके प्लांट में इंसेक्ट भी ज़्यादा अटैक करेगा, क्योंकि जब न्यू ग्रोथ होती है तो उसमें इंसेक्ट ज़्यादा अटैक करता है। तो उस समय आपको जो है अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे करना है, क्योंकि इतनी गर्मी में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड केमिकल वाला ना यूज़ करें, नहीं तो आपका प्लांट जो है उसमें पत्तियाँ बर्न होने की भी दिक्कत होती है। और मॉर्निंग के समय कीजिए, नहीं तो इवनिंग के टाइम पे कीजिए। अब 1 महीने तक मैंने कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया था रिपोर्टिंग के बाद में। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद में प्लांट जो है पूरा जो है अच्छे से कलियर बनी हुई, तब उसे फर्टिलाइजर भी देना होगा। तो मैं यहाँ पर NPK 10-26-26 का हाफ से भी थोड़ा कम है, मतलब इतना आप ले लीजिए, हाफ चम्मच से थोड़ा कम। और यहाँ पर सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP वो भी हाफ चम्मच ही ले रही हूँ। और उसके साथ में जो सीवीड ग्रैनुअल फॉर्म में है, ये करीब जो है आपका हाफ चम्मच से थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हैं, पर मतलब मान के चलिए हाफ चम्मच जितने। और उसके साथ जो है एप्सम सॉल्ट देना है। एप्सम सॉल्ट देने से मोगरे के प्लांट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो है 1/3 चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट दिया है, क्योंकि सिर्फ 8 इंच के गमले के लिए, तो आप कभी भी फर्टिलाइजर ज़्यादा मत दीजिएगा इस गर्मी के दिनों में। और यहाँ पर ज़्यादातर आप देख सकते हैं NPK वगैरह जो है वो केमिकल ही है, तो इसलिए आप क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपका प्लांट बड़ा है, गमला बड़ा है, तो बढ़ाइएगा। 8 इंच के गमले के लिए इतना ही खाद दीजिए। अब बात करते हैं वाटर की। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, भी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, आपका जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए। आप सुबह अच्छे से वाटर दे दीजिए अपने प्लांट में कि ड्रेनेज होल से पानी निकल रहा है, इतना पानी दीजिए। और शाम के
टाइम आप अपने प्लांट पर एक बार शावरिंग जरूर कीजिए। शाम को हो चाहे आप मतलब जब अच्छे से मतलब 7 बजे 8 बजे के टाइम पे आप अच्छे से शावरिंग कीजिए। उस समय आप पानी मत दीजिए प्लांट के गमले में, बस प्लांट को नहला दीजिए। जितना पानी नहलाते समय गमले में गिर रहा है उतना सफिशियंट है, क्योंकि सुबह हमें फिर से पानी देना है, तो ओवर वाटरिंग ना हो जाए। और जो प्लांट है वो पूरे दिन जो है गर्मी में झुलसता रहता है, इसलिए रात में एक बार शावरिंग करते हैं तो प्लांट को काफी अच्छा लगता है। अब बात करते हैं सनलाइट की। तो मैंने जब इस प्लांट को रिपोर्टिंग किया था, तो नॉर्मल आपका अगर प्लांट इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो 1-2 दिन आप जो है बिल्कुल छाया वाली जगह पर ही रखिए सेमी शेड में। उसके बाद जब आप देखें कि आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर गया है, फिर आप इसको प्रॉपर धूप में रखिए। और अगर आप नर्सरी से अभी प्लांट खरीद कर ला रहे हैं तो रिपोर्टिंग करने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ग्रो बैग से जब आप प्लांट को निकाल रहे हैं उस समय आपका रूट्स बॉल जो है वो बिल्कुल भी आप छेड़िएगा मत। इतनी गर्मी में आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर आपने रूट्स को और मिट्टी को अलग करने की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तभी आपका प्लांट अच्छे से चल पाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है इस समय। अभी जो हमने फर्टिलाइज़र लिया था NPK 10:26:26 एप्सम सॉल्ट हो गया आपका SSP या सीवीड, वो हम हमारे प्लांट में 1 महीने बाद यानी आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि प्लांट जो है प्रॉपर जो हमने उसको रिपोर्टिंग के बाद कुछ भी नहीं दिया था, तो अभी प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग स्टेज पर है तो इसको न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत होती है। तो अब जो है प्लांट को देने के लिए सबसे पहले मैंने सभी खाद को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं मिट्टी मेरे अभी भी जो है हल्की हल्की गीली है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में अच्छे से पानी दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पर खाद वगैरह जो है देकर अच्छे से इसको थोड़ा सा साइड से ही दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्लांट के एकदम पास देना है, गमले के चारों साइड से आपको देना है। और देने के बाद में बस इसको हल्का सा इस तरह से मिट्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी गीली है लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा पानी अभी भी जो है देना पड़ेगा, क्योंकि खाद देने के बाद में थोड़ा बहुत पानी भी देना पड़ता है ताकि वो चीज़ हमारा प्लांट जल्दी से ले पाए। तो उससे पहले मैं जो ये खाद है इसको अच्छे से थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर रही हूँ, या मिला दीजिए अगर आपका थोड़ा मिट्टी सूखा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा रिजल्ट। मैंने सुबह ही पानी दे दिया था इसलिए। तो जो भी है आप अच्छे से थोड़ा बहुत इसमें, जैसे ऐसी कंडीशन में अगर दिख रहा है तो थोड़ा बहुत पानी ज़रूर दे दीजिए। और ऐसा करने पर, और ये जो फर्टिलाइज़र जितने भी मैंने दिए ये सिर्फ मंथ में आपको एक बार ही देना है, जब आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर आ चुका है उस समय भी आप दे सकते हैं, और अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आप ये खाद दे सकते हैं। इसे देने के बाद आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा ही पानी दे रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मॉर्निंग में दे चुकी थी। अगर आपने पानी नहीं दे रखा होगा तो अच्छे से आप पानी दीजिएगा इस समय। बस इस तरह से आप अपने प्लांट की अगर देखभाल कर रहे हैं तो आपके प्लांट में ज़रूर ज़रूर से फूल आएगा। सिर्फ ये सिंगल पेटल वाले मोगरे के प्लांट में ही नहीं, आप इसको मल्टीपल जो फ्लावर होता है नॉर्मल वाला जो मोगरा है उस पर भी ये सेम तरीके से ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसमें भी सेम तरीके से ही हैवी फ्लावरिंग होगी। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।